जिंदगी में कुछ भी कर लो, जितने ज़्यादा पैसे कमा लो क्रिकेट छोड़ने के बाद, कहीं चले जाओ, जितने भी काम कर लो, वो सेटिस्फेक्शन अलग ही है जब तुम एक तेज गेंदबाज को कवर ड्राइव मारते हो ना, जब बॉल बीच में लगता है और कवर और मिड ऑफ के बीच से जाता है और सारे ताली मारते हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। Previously, on Oaktree Creatives Breakfast with Champions. अरे वो क्वीन है, आप किंगो, आप भागे जाओ, ऐसी बात है। तो जैसे मैंने ऐसा शर्ट ऊपर करने की कोशिश की तो VVS ऐसा खींचता रहा। तो मैं ऐसा टैप करते हुए उसके पास आया, देख वीरू चौका आ गया। अरे कोई बात नहीं, मैंने कोई बात नहीं मतलब आशीष हो, वीरू हो, यूवी हो, मुझे बताओ मैं क्यों नहीं खेला, ये क्यों कर रहे थे, ये क्रिकेट में करना पड़ता है। मैंने कहा नहीं नहीं करना नहीं पड़ता, मैंने कर लिया था गलती से, आउट हो गया तो फिर तुझे शाम को मैं देख लूंगा। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि क्या क्या आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर हमारे शो पे, ठीक है? स्टार्ट आरोप किया था, लगाओ लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफर्म कर लेते हैं ना सारे। तो सचिन ने कहा था कि उन्होंने आपके कमरे में पानी वानी भर दिया था, कुछ आपकी चप्पलें तैर रही थी, सच है? सो रहा था दोपहर को यार, संडे को, तब 14 साल का था, 14 साल इंदौर में था कैंप में, नेशनल कैंप, सुबह बहुत भगाता था वासु सर, तो दोपहर को संडे छुट्टी मिला, मेरा और मेरा रूममेट दोनों सो रहे थे, तो 5 बजे नींद खुला तो दिखा कमरे में सिर्फ पानी ही पानी, सूटकेसेस ऐसे फ्लोट हो रहे, मेरे को लगा अंदर से ना पाइप फट गया है बाथरूम का, तो बाथरूम में जाके घुसा देखा वो तो बिल्कुल सूखा है, तो दरवाज़ा खोला तो सामने दोनों खड़े थे, विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर, दोनों ऐसे बाल्टी लेकर और डालने वाले थे पानी अंदर। मैंने कहा ये क्या करे यार, कहते नहीं नहीं तुम क्यों सो रहे हो दोपहर को, मैंने कहा कोई गुनाह किया दोपहर को सो के, कहते नहीं नहीं चलो टेनिस बॉल पे खेलेंगे, मैंने कहा ऐसे ही उठा लिया होता धक्का मार के, पानी डाल के क्यों उठाया। पहली बार तब देखा था सचिन को यार, इतने बड़े बड़े बाल थे, नाम तो था तब सचिन सचिन सचिन, बॉम्बे से थे तो बॉम्बे से नाम बहुत बहुत शोर मचता था उन दिनों, और नेट से उनको निकाला नहीं जाता था, उसे बैटिंग ही करना, वासु सर को उसको खींचना पड़ता था नेट से कि चल अब निकलो, कैंप बाकी लोगों के लिए भी है। तो तभी से पता था कि इस बंदे में कुछ अलग है। एक कप्तान सचिन को देखा था जो गुस्से में था, हम अच्छे नहीं खेलते थे उन दिनों, और पूरा उसका ना उसका टोटल क्रिकेट देखा हूँ पास से, 14 साल की उम्र से, फिर इंडिया के लिए खेले, एक साथ ओपन किए, तो उस आदमी को अंदर से जानता हूँ, क्या करना चाहता है क्रीज पर, कहाँ खेलना चाहता है, किसके ऊपर गुस्सा है। सचिन ने एक बार कुछ ऐसा भी कहा था ना, कुछ कहा था कि सुबह आके भागो मेरे साथ, वेरी अर्ली इन योर करियर, आई थिंक 96-97 में वो गुस्से में था, वो हम हार गए थे बारबेडोस में, 120 नहीं कर पाए, मैं पहली बार सचिन को देखा रोते हुए ड्रेसिंग रूम में, वो मैच हमें जीतना चाहिए था, वेस्ट इंडीज़ के सामने अच्छे विकेट पे आउट हो गए, तो गुस्सा निकला मेरे ऊपर, कहते आप कल से सुबह रोज़ रनिंग करना, अगर रन बनाना है तो, जब यंग था, यंग खिलाड़ी था, मेरे साथ टीम में रहना है तो ये करना पड़ेगा, बट सही है कप्तान को गुस्सा भी होना चाहिए। और रूममेट था दोनों इंग्लैंड में, तो एक दिन रात को देखा कि ये बंदा ना चल रहा है रूम में, घूम रहा है उठ के, मैंने कहा यार बाथरूम गया होगा, मैं उल्टा साइड जाके सो गया, अगला दिन उसको कुछ पूछा नहीं, दूसरा दिन फिर देखा कि उठ के चल रहा है वो, तो मैं ना उठ के बैठ गया, बोले ये करता क्या है रात को 1-1.5 बजे, वैसे ना रूम में घूमता है, घूम घूम के चेयर पे बैठता है, बैठ के फिर आके बाजू में सो जाता है, तो मैंने उसको अगला दिन कहा यार तू तो डरा रहा है मुझे, तू कर क्या रहा है रात को, हाँ नहीं नहीं मैं रात को चलता हूँ नींद में, तो उसको ये आदत थी रात को नींद में चलना, रात को नींद में चलना सचिन तेंदुलकर को, तो क्या पता चलेगा, अरे इतना दूर खड़े हो कुछ पता ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है दूर से, नहीं तो जोर से बोल दो क्या पूछना है। बहुत बार हुआ हां, वर्ल्ड कप 92 ही टू के बैट, बहुत बार हुआ है, सचिन स्टेकिंग यू बैट अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट आई फाइंड दैट स्ट्रेंज, यू नो आई फाइंड दैट स्ट्रेंज बिकॉज़ सचिन इज सो लाइक, ये मेरा बैट 100 ग्राम ज्यादा हो गया, इसको मैं यहां से करूंगा वो, फॉर हिम टू बी यूजिंग समबडी एल्सस बैट, आई वुड फील वर्ल्ड कप में वो एक जिससे खींचते हैं ना वो कैरी करता था, वो सैंड पेपर, हां सैंड पेपर और रंदा कहते हैं जिसको, ना सैंड पेपर बोल नहीं सकते ना क्रिकेट में, बोलना भी अलाउड नहीं है, बैट के ऊपर बोल सकते हैं क्योंकि बैट से रिवर्स स्विंग नहीं होता बैट से हल्का ही हो जाता है, तो साथ में कैरी करता था, तो एक्चुअली दोनों ना मैं बीच में हैवी बैट यूज़ करने लगा था, तो वो भी हैवी बैट यूज़ करता था, तो शायद उसको मेरा बैट का फील पसंद होता था। वर्ल्ड कप में 92 में मैं ड्रॉप हो गया टूर से, वर्ल्ड कप टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ, तो लोग जब वापस जाते कहते कि तुम ठीक ठाक घर जाओ, कोई बात नहीं अगला टूर पे आगे खेलोगे, उसने कहा मैं तेरा बैट ले लूँ, मैंने कहा भाई ड्रॉप कर दिए, बैट भी ले लिए, अब क्या क्या करोगे, तो उसको बैट दिया वर्ल्ड कप में, तो बीच बीच में जब वो फेल होता था, जब उसके रन्स नहीं बनते थे, तो
वो ढूंढता था बैट्स, तो मेरे किट बैग पड़े देते थे हैवी बैट्स, आके उठाए उसको लेके खेल गए. फिर सिडनी में रूममेट था मेरा दोनों, मैं खेल नहीं रहा था, मुझे मौका नहीं मिल रहा था, और उसको टेस्ट मैच खेलना था, पहला दो टेस्ट मैच रन नहीं बने. दिस इज 92. तो रात को उठ के कमरे में ना 2 बजे में सो गया, सडनली रात को 2 बजे उठा, देखा कमरे में लाइट जला हुआ है और वो बैटिंग कर जाए. मैंने कहा कल खेलना है तुझे, सो जा. ऑस्ट्रेलिया में एक था कि लेट से टेस्ट मैच शुरू होता था 11 बजे, तो आप लेट से उठ सकते हो, लेट मतलब 8, अजय जडेजा वाली लेट नहीं, 8 बजे, वो तो 8 बजे गुड नाइट होता है, गुड नाइट होता है. तो मैंने कहा सो जा, कल बैटिंग करना. कहता नहीं नहीं कुछ नहीं, नींद नहीं आ रहा है, मेरा एड्रेनलिन इतना चल रहा है. तो फिर जाके अगला दिन कहता है अब जब नींद आएगा सो जाऊंगा, 6 नंबर पे हूँ, जाके ड्रेसिंग रूम में सो जाऊंगा, तू मुझे उठा दियो बैटिंग से पहले. तो वहाँ पे मैच चल रहा था और मेरा नज़र उसके ऊपर था, कहीं लेट हो गया और विकेट गिर गए तो ये बेचारा सो रहा है. तो जाके सिडनी में शतक बनाया था. आई हैव सीन लॉट ऑफ टाइम्स, गुड टाइम्स विद हिम, बट यू हैड टू डू दिस अ लॉट. एक बारी कुछ वीवीएस लक्ष्मण का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा था, क्योंकि वो उसने कहा कि नहीं कि वो बैटिंग से पहले नहाता है, पूरा बताया कि क्यों नहाते हो, और नहाता है और साबुन वाबुन लगा के. ऐसा नहीं कि किसी को टेंशन है, प्रेशर है, आप फट से शावर में गए, 2 मिनट में पानी डाला, बॉडी का टेम्परेचर नीचे गया, क्लीन करके पैड वेड पहन के तैयार हो गए. तो अगर वो 5 नंबर और आप 6 नंबर होते थे, तो 6 नंबर वाला एक आग ग्राउंड के ऊपर, एक आग टॉयलेट के ऊपर, कि वीवीएस नहा रहा है पानी शावर से, मैंने कहा मतलब जन्म जन्म की महल उतर रही है. और मतलब एक साउथ अफ्रीका में एक बार वो 5 था मैं 6 था जब मेरा कमबैक सीरीज हुआ केप टाउन में, और आखिरी टेस्ट था, तो सचिन बल्लेबाजी करने जा रहा था, उसको अंपायर ने रोक दिया. कहता है कि नहीं तुम आखिरी 10 मिनट फील्ड से बाहर थे, तो 10 मिनट में विकेट गिर चुके, तुम बैटिंग नहीं कर सकते. तो अगला वीवीएस था और वो शावर में था. अगला वीवीएस था तो, और मैं ट्रैक सूट में, तो एक पैर में सचिन पैड पहना रहा है, एक पैर में कोच पैड पहना रहा है, ऊपर में मैं टी शर्ट लगा रहा हूँ, दुल्हन तैयार हो गया. 2 मिनट में मैं अंदर और वीवीएस वहाँ पे ऐसा हुआ, ऐसा साफ वाफ करके मैंने कहा वीवीएस आज ने तुम्हें मरवा ही दिया. बट ये भी पूछा था हमने वीवीएस से, ही सेड दैट नहीं वो गलती अंपायर की थी, उन्होंने सुबह बताया नहीं कि ये नहीं जा सकता. जिसका भी गलती था, नहा तो रहा था वो, जिसका भी अंपायर का गलती नहीं था शायद, क्योंकि सचिन 10-12 मिनट फील्ड से बाहर था. ही सेड के अंपायर ने सुबह बताया नहीं, अगर बताया होता तो मैं रेडी होता, तो उन्होंने तो फाड़ दिया बिल अंपायर के ऊपर. कोच रवि शास्त्री ने बोला कि आपको वो छोड़ के चले गए थे बस में. आप उनको सुबह मत इंटरव्यू करिए, ब्रेकफास्ट शो पे मत लाइए उनको, याद ही नहीं रहता कुछ उनको. मिलूंगा तो मैं कहूंगा कि यार आप क्या बोल देते हो आपके ब्रेकफास्ट शो में, पता नहीं ऐसा चीज हुआ भी नहीं था. तो लेकिन सुबह मत करिए उनसे इंटरव्यू, थोड़ा शाम को करिए कि याद आ जाए सब कुछ चीजें. आई लव दिस अबाउट यू, आप बाउंसर में बाउंसर, डरना नहीं किसी से. आई डिड अ लॉट ऑफ ग्रोइंग अप इन कैलकटा. एक्चुअली मुझे कुछ दिन पहले ये स्टोरी याद आई, 92 के टूर से आप वापस आए थे, टॉलीगंज क्लब में आप स्विमिंग करने आए, ठीक है, हम बच्चे थे, मतलब इतने भी नहीं पर थोड़े, 11-12 साल के थे. तो सिर्फ टॉलीगंज क्लब में हम 3 कज़न थे, शोर मचा रहे थे स्विमिंग पूल में. यू केम फॉर अ स्विम, आई थिंक यू सॉ के यार ये बड़े इरिटेटिंग चिल्ड्रेन, तो आई थिंक आफ्टर 15 मिनट्स यू वेंट. सो सडनली वी रिकग्नाइज, क्योंकि हम बचपन से क्रिकेट का कीड़ा था हमें, वी रिकग्नाइज सौरव गांगुली सर, हम भागे भागे आए पीछे ड्रेसिंग रूम में, एंड यू वर जस्ट लाइक कॉमिंग योर हेयर, यू गेटिंग रेडी. तो हमने फिर कुछ सवाल पूछे. आई थिंक दैट वॉज द फर्स्ट क्रिकेट इंटरव्यू आई मस्ट हैव हैड इन 92 इन द टॉलीगंज क्लब चेंजिंग रूम, जब मुझे बताओ ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, बाउंस क्या होता है, ये क्या होता है, दैट्स व्हेन यू टोल्ड अस. एंड आई रिमेंबर वन लाइन वेयर यू सेड दैट चांस भी नहीं मिला और कहते मुश्किल भी बहुत है ऑस्ट्रेलिया में. थोड़ा सा समय लगता है यूज टू, और वो ऑस्ट्रेलिया अलग ऑस्ट्रेलिया था, पेस बाउंस करके ऐसे बूम करके बॉल. और इंडिया तब बाहर जाके अच्छा नहीं खेलता था, क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली बाहर नहीं जाते थे. ऑस्ट्रेलिया में मुझे याद है 91 में गए थे, और उसके बाद अगला बार ऑस्ट्रेलिया गए 99 में, 8 साल के बाद. और सब 17 साल का था, मेरा गेम बना भी नहीं था उसके लिए. आई वाज टू अर्ली, गेम बना भी नहीं था उसके लिए. तो चले गए घर, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे, मजा आता था, हमारा टीम बहुत अच्छा था. और बॉलिंग मशीन भी लगाई थी घर में,
पिताजी ने सब कुछ लगाया था बेटे के लिए, जिम, बॉलिंग मशीन, प्रैक्टिस पिचेस, घर में प्रैक्टिस पिचेस था, पर नेट लगा दिए थे, एक सीमेंट और एक टर्फ, कि यहाँ पे खेलते रहो, और नीचे जिम, बॉलिंग मशीन सब कुछ। नेट बॉलर बन गए थे, सिलेक्ट हुए थे बल्लेबाज के तौर और बन गए थे बॉलर टूट के एंड। एक समय ऐसे था कि ड्रेसिंग रूम से बूट्स ही उठा के लेके जाते थे, बैट वैट पड़ा रहता था, मौका तो मिलेगा नहीं, इसको उठाओ और जाके शुरू से एंड तक बॉलिंग ही करते रहो। बट यू लाइक बॉलिंग? शायद उसी के लिए बॉलिंग इम्प्रूव भी हुआ है, इम्प्रूव भी हुआ है कि बॉलिंग डालते गए तो आइडिया होता गया। बट दिस आई हैव नोटिस, दिस यू एंड सुनील गावस्कर हैव इन कॉमन, आप दोनों को लगता है कि आप मतलब थोड़े वेस्ट इंडीज के पेस बॉलर हो। नहीं, ही इज लॉट स्लोअर देन मी, उनका बॉल पीछे से हवा देना पड़ता था ये पहुँचने के लिए, मैं फिर भी पहुंचा देता था, मेरे एजेस कीपर के पास जाते थे, उनके लिए कीपर को आगे आना पड़ता था एजेस के लिए आगे। 7 तारीख को महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे, 8 तारीख को सौरव गांगुली का बर्थडे, 10 जुलाई को सुनील गावस्कर का बर्थडे, तो ये है कुछ। जुलाई में बहुत रन बने भारत के लिए, कप्तान भी बने, तो 9 तारीख को वी हैव टू ये लाइनअप पूरा करने के लिए एक इंडियन कप्तान है कहीं पे जो 9 जुलाई को 10 साल बाद कप्तान बनेगा? 10-12 साल का है कोई सोच रहा है कोई 9 जुलाई को पैदा हुआ है कि भाई ये है मेरा मेरा लाइनअप। अच्छा एक और चीज, सो देयर इज समथिंग यू हैव इन कॉमन विद स्मृति मंदाना, हमारी अपकमिंग स्टार है स्मृति मंदाना, और आप में क्या कॉमन है? दोनों बाएं हाथ से खेलते हैं। पर ओरिजिनली दोनों हैं राइट हैंडेड, और क्यों बाएं हाथ से खेलते हैं ये भी कॉमन फैक्टर है। अच्छा, अपने बड़े भाइयों की वजह से। और दिस इज समथिंग यू हैव सॉर्ट ऑफ इन कॉमन विद सचिन, तो बिग ब्रदर फैक्टर है वो सचिन के साथ भी कॉमन है, क्योंकि वो भी अपने भाई के बैट से खेलते थे तो इसलिए उनकी गेम वैसे बनी। और आपकी ये बात स्मृति मंदाना और आपकी कॉमन है कि बोथ योर ओल्डर ब्रदर्स प्लेड लेफ्ट हैंडेड, तो आपने ग्लव पहनना था क्योंकि ग्लव अलग होते थे, और तब पिताजी उनके लिए किट खरीद के देते थे, मैं तो फुटबॉल खेलता था। पहला मैच खेले, एक इंडिया बंगाल अंडर 15 ट्रायल मैचेस थे, तो 7 जनों का ना टाइफाइड हुआ उस समय, बहुत टाइफाइड हो रहा था कलकत्ता में, 88, तो सब 7 जने का टाइफाइड हुआ, तो टीम में खिलाड़ी नहीं थे, और उन दिनों इतना स्ट्रिक्ट नहीं था सिलेक्शन पॉलिसीज ऐसा कुछ, तो मुझे पूछा गया कि आप खेलोगे, मैंने कहा खेलूँगा, किट नहीं थे, भाई के बैट पैड ग्लव्स उठा के ले गए और जाके 100 बना दिया पहला मैच। घर में ना मेरे ऊपर चार भाई थे, कज़न से एक साथ रहते थे ब्रदर्स, और सब बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, सब काम करते थे दाहिने हाथ, खाना लिखना फेंकना सब कुछ दाहिने हाथ से, लेकिन जब बैट उठाया तो बाएं हाथ से उठाया, तो उनको देख के देखिए वही हो गया, मैं भी वही लिखता हूँ, स्ट्रॉन्ग हैंड राइट हैंड है, लेकिन जब बैट उठाया तो बाएं हाथ से उठाया। इट्स अमेजिंग, वो सचिन के साथ भी है, सब कुछ बाएं हाथ से करते हैं लेकिन बैट उठाते हैं दाहिने हाथ से। तो ये कन्फ्यूजन हमने उनसे पूछी, क्लियर कराओ, उन्होंने कन्फ्यूजन और बढ़ा दी, क्योंकि ही सेड के फोक जब चॉपस्टिक फोक उठाते हैं तो लेफ्ट हैंड से, और चॉपस्टिक उठाते हैं राइट हैंड से। मैंने कहा समझ नहीं आ रहा क्या उसको बोलना, कि लिख के लाओ। हाँ, लिख के लाओ, कौन से जगह क्या करते हो, लिख के लाओ, हम पढ़ लेंगे। एंड यू टुक योर ब्रदर्स प्लेस इन द, ये क्या कहानी है? फाइनल मैच था, जब मैं क्लास 12 में पढ़ता था तब, तो मुझे नहीं लगा था कि खेलूंगा, क्योंकि पूरा सीजन बाहर ही बैठा हुआ था। फाइनल के 15 दिन बाद मेरा बोर्ड एग्जाम था। सो दिस वाज द अंडर 19 सोफा, तो मुझे पता भी नहीं था, आई वेंट इन साइड एंड केप्ट माई बुक्स ऑन द टेबल एंड टोल्ड माई मॉम भूख लगी है खाना दो, तो शी टुक मी टू द डाइनिंग टेबल, शी वॉज गिविंग फूड एंड आई वॉज ईटिंग, तो I said everything is okay. He said yeah, everything is okay. I said what happened? Why is everybody quiet? कहते हैं नहीं कुछ नहीं, दे आप कल खेल रहे हो। मैंने कहा हाँ कल खेल रहा हूँ मैं, तब इतना मीडिया नहीं था, इतना मीडिया टीवी इतना इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था, कल खेल रहा हूँ, तो मैं बहुत खुश था, अरे वाह तो रणजी ट्रॉफी फाइनल खेलने को मिलेगा। तो ऐसे खाना वाना खाया तो घर आए, उस रूम से इस रूम आया, तो मैंने भाई से पूछा कि कौन बाहर कौन है, मैं खेल रहा हूँ किसका जगह, कैसा मेरा जगह, वो ऐसा हंसी ना वैसे हो गया, सीधा सीधा यहीं से ये बंद हो गया। आई रिमेम्बर रीडिंग अ लॉन्ग टाइम अगो
कि योर लव स्टोरी विद योर वाइफ वाज अ परिणीता काइंड ऑफ सिचुएशन. को नेबर थे, कोई दीवार भी नेबर थे दीवार नहीं तोड़नी पड़ी बिल्कुल. तो परिणीता में तो दीवार तोड़ी थी. नहीं 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 नहीं, नेबर थे, दीवार नहीं तोड़ना पड़ा. बट थोड़ा सा एग्जैजरेटेड था मीडिया में. बट क्यों एग्जैजरेटेड था कि आई थिंक somebody has to कि भाग के शादी किया था. नहीं, नहीं भाग के नहीं, शादी कर ली तो मैं बताया नहीं किसी को. नहीं शादी नहीं किया था. शादी तो धूमधाम से पिताजी ने दिया फरवरी में 97. तो घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था क्योंकि कंजर्वेटिव फैमिली थे. किसी ने लव मैरिज किया नहीं था उस फैमिली में पहली बार. तो किसी में हिम्मत नहीं थी बोलना घर में आके कि मुझे ये लड़की पसंद है. घर में सब गुस्से थे तो पिताजी फ़ोन करके कहते हैं कि क्रिकेट पे ध्यान देना, वो जो होगा मैं संभाल लूँगा, तुम क्रिकेट खेलो. अरे वाह. एंड जॉइंट फैमिलीज में ये बड़ा ज़रूरी होता है इफ़ योर फादर इज सेइंग के मैं संभाल लूँगा, क्योंकि सवाल पूछने वाले बहुत लोग होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ज़्यादा लोग होते. पता है उनके लड़के ने क्या किया. नेशनल डिबेट बन जाता है. और कलकत्ते में तो है भी शौक अड्डे का सबको. बिल्कुल आओ बैठो, चाय पियो, गप्पे मारो. कलकत्ता में पाड़ास में मेसी और रोनाल्डो ने जितना गोल किया है उतना उन्होंने अपने करियर में गोल नहीं किया होगा. पाड़ा जो ना समझे लोग मतलब लोकैलिटी, नुक्कड़ जिसे कहते हैं, नुक्कड़ जिसे कहते हैं, वहाँ पे हर जगह मेसी है. आप वर्ल्ड कप के टाइम देखोगे हर गली में हर मोड़ पे ब्राज़ील और अर्जेंटीना के फ्लैग. मैंने कहा है एक वर्ल्ड कप तो खेल लिया होता इतने फ्लैग लगाने से पहले. वहाँ पे वो नहीं है लेकिन सपोर्टर्स बहुत है, पैशनेट है बहुत बहुत ज़्यादा. और चर्चे में माहिर है. चाय पी के बैठ के कुर्सी पर अरे खुद मेसी खुद रोनाल्डो में इस एंगल से गोल हो सकता था उस एंगल, जब बॉल पे किक मारने बोलो सोने का टाइम हो. चाय चेयर और चर्चा और जिलेपी और समोसे या सुबह सुबह. सो इज दिस द रीजन व्हाई यू हैव योर ओन फुटबॉल क्लब? ये बचपन में चांस नहीं मिला फुटबॉल खेलने का तो इसीलिए अभी. नहीं ये कोइंसिडेंस है एक्चुअली. टूर्नामेंट शुरू हो रहा था तो बंगाल से टीम लेना ही था क्योंकि फुटबॉल बंगाल में नहीं होगा तो कैसे होगा. तो जब ये बातें चल रही थी तो कहा कि हम भी कोशिश करते हैं अगर बिड में जीत जाते हैं टीम के लिए. तो जीत गए और फिर दो बार जीत गए. But is so then now people in Calcutta are they more proud of Sourav Ganguly the Indian cricket captain or more proud of Sourav Ganguly the football club? No cricket. Football club का तो मैं owner हूँ, सिर्फ कुर्सी पे बैठ के चाय पीते चिल्लाओ. Yeah. लेकिन cricket तो जाके खेलना पड़ा. हाँ. उसमें फर्क है. cricket इस country से कोई छीन नहीं सकता. It just gets bigger and bigger. Oh yeah, absolutely. Of all your batting performances, which one did you think was the most dominating? क्योंकि आपने 16 test century मारे, आपने जो भी टेस्ट सेंचुरी मारे कभी टीम हारी नहीं. शायद पहला शतक लॉर्ड्स में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि एक तो खुद को ये कह पाया कि इस लेवल पे तुम खेल सकते हो, इस लेवल पे तुमको मौका दिया, तुमने शतक बनाया, मतलब तुम इस लेवल के लिए काबिल हो. और दूसरे जो क्रिकेट के साथ जुड़े हैं क्योंकि इंडिया में क्रिकेट एक इतना बड़ा गेम है कि ओपिनियन सबसे आते हैं. और जो ओपिनियंस देते हैं उनको भी ये मैसेज गया है, वो भी ये सोचने लगे कि नहीं इस ये बंदा इस लेवल पे आउट ऑफ प्लेस नहीं है. तो शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट एक जिस इनिंग से हो वो शायद मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट इनिंग्स है लाइफ का. इट वॉज़ फन. सबके साथ मिल जुल के खेलते थे. इट वॉज़ लाइक अ फैमिली. फ्रीडम था, स्पेस था एक दूसरे का. लेकिन ग्राउंड में जोर लगाना है. आप ट्रेनिंग करो, प्रैक्टिस करो, ग्राउंड में जोर लगाओ, बाकी जो मर्जी करो. लेकिन जब सुबह के 8 बजे से 4 बजे मेरा, 4:30 से आपका, ये थियोरी था मेरा. वहाँ पे मैं जो कहूँगा वो होगा. 4:30 बजे के बाद आप मुझे जहाँ ले जाना है जहाँ भगाना है भगाओ, मैं तैयार हूँ. कप्तान का ख्याल कौन रखता है? कप्तान का अपना भी ख्याल रखना पड़ता है और टीम का भी ख्याल रखना पड़ता है. आप लोग फैब 4 थे उस वक्त, ये फील आती थी कि हम मतलब जैसे वेस्ट इंडीज़ के 4 पेस बॉलर होते थे वैसे हमारे 4 बैट्समैन हैं. एंड में फिर वीरू भी जुड़ गया उस लाइन में टेस्ट क्रिकेट में. नहीं आता था आप लोगों को एक ऐसा लगता था कि एक समय 2001 से 2006 तक मैं कप्तान था, प्लेयर था. तो ऐसा सोच था कि यह कोई ना कोई बना ही देगा. कभी वीरू आउट हो गया तो राहुल बना देगा, राहुल आउट हो गया तो सचिन बना देगा, सचिन आउट हो गया तो सौरव बना देगा. और किसी ने नहीं बनाया तो हमारे शावर वाले बना ही देंगे. The S in VVS. S in V. Very, very special. One of the best persons you'll ever meet. Nice. सर हो गया, मेरे को जो जो कवर करना था मैंने कर दिया. अब कुछ बाकी भी नहीं था. कुछ बाकी भी नहीं. अगला 5 साल कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा तो भी चलेगा. मैंने सबसे पहले तो आशीष नेहरा को एक मैसेज डालना है.
और उसको बोलना है कि दादा ने कहा था 11:30, दादा है शाप 11:30। उसको बोलना कि जैसे गलत खौफ मत। हाँ, ये रूमर ना फैला। क्या आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं थोड़ा मनोरंजन? क्या आप चाहते हैं चैंपियंस, आपके फेवरेट स्पोर्टिंग पर्सनालिटीज? इस मर्ज का एक इलाज हमारे पास है, ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस। आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब करें, मौज मनाएं। ठीक है, 6-7 हो गया यार।